अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको घर पर नेचुरल पिंक ब्लशर और नेचुरल पिंक लिपस्टिक बनाना सिखा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ वक्ती तौर पर आपके चीक्स और आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे, बल्कि रेगुलर यूज के साथ नेचुरली आपके चीक्स और लिप्स का कलर पिंक हो जाएगा। इसके लिए मैं जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस हर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे हिंदी और उर्दू में रतन जोत कहते हैं। ये पंसार से आसानी से मिल जाती है। इंग्लिश में इसे एल्केनेट रूट कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने लगी हूँ, ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। इसे बैक वक्त आप अपने चीक्स को पिंक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिप्स को भी आप इससे पिंक कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट होगा, यानी ये लिपस्टिक भी है और ये नेचुरल पिंक ब्लशर भी होगा। इसके लिए जो पहला स्टेप मैंने किया वो ये किया कि कोई भी मेरे पास ये इस तरह का एम्प्टी ग्लास जार रखा हुआ था, इसको मैंने 1/3 जो है कोकोनट ऑयल से फिल कर दिया और इसमें अच्छी तरह से जो एल्केनेट रूट्स हैं वो भर दी। इस तरह से भरी कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब मैंने इसमें डाला है ताकि जो कलर मैं चाह रही हूँ, जो पिंक कलर मैं चाह रही हूँ रिक्वायर्ड है, वो मुझे हासिल हो सके। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको बीज वैक्स चाहिए होगा। ये बाजार में आजकल इजीली अवेलेबल है, पैलेट्स की फॉर्म में ये मिल जाता है। इन केस अगर आपको ये पैलेट्स की फॉर्म में या रिफाइंड फॉर्म में अवेलेबल ना हो, तो आप पंसार से इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा बीज वैक्स का आप ले सकते हैं, मोम का, कुदरती मोम का, शहद की मोम का आप ये टुकड़ा ले सकते हैं। इसको आप रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए आप एक सॉस पैन में पानी बॉयल करेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा, ये पीस आप उसके अंदर डाल देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए पूरी तरह से, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, उस पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो ये मोम की लेयर ऊपर आके जम जाएगी, जिसे आप इजीली अपने इस प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ कि किस फॉर्म में आपके पास ये मेल्ट होने के बाद और फिर दोबारा हार्ड होने के बाद मिलेगा। ये देखें, ये मैंने इसी तरीके से ये बीज वैक्स अपना तैयार कर लिया था। सॉस पैन उबलते हुए पानी में मैंने एक पीस इस तरह का बीज वैक्स का, जो पंसार से मैंने लिया था, वो इसमें डाल दिया। और जैसे ही बीज वैक्स जो है पूरी तरह से मेल्ट हो गया, इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद ये मोम पिघल हार्ड फॉर्म में होकर इस तरह से टॉप पर आ जाएगी, जिसे आप अपने इस प्रोडक्ट में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास रिफाइंड पैलेट्स ना हो। आप कोई भी इस तरह का हीट प्रूफ बोल ले लें, जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है, ये मिट्टी का बोल है। आप कोई भी और जो आपके डिनर सेट में से हो और जो माइक्रोवेव ओवन प्रूफ हो, हीट प्रूफ हो, आप कोई भी छोटा सा इस तरह से बाउल ले लें और उसमें करीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये जो ऑयल हमने इन्फ्यूज किया है वो डाल दें और थोड़े से ये बीज वैक्स के पैलेट्स जो है ये आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब हम इसे बॉइलिंग वाटर में रख देंगे ताकि ये बीज वैक्स जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें, पानी तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ये बोल रख दूंगी, उस वक्त तक इसे मैं बॉयल करूंगी जब तक कि ये बीज वैक्स सारे पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी कंटेनर चाहिए होगा, जिसके लिए आप कोई भी इस किस्म का आपके पास एम्प्टी कंटेनर रखा हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम्प्टी लिप बाम का कोई भी कंटेनर अगर आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि मैं इसमें फिल करूंगी। अगर आपके पास ये ना हो, तो घर में आपके पास अक्सर जो है लिपस्टिक्स खत्म हो जाती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिल करने के लिए। ये देखें, आप बीज वैक्स पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इस बाउल को इस पानी में से निकाल लूंगी। बाउल को मैंने पानी में से निकाल लिया है, बीज वैक्स पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी। अब मैं ये कंटेनर्स को इसे फिल करूंगी। कुछ मैं इस कंटेनर में डालूंगी और बाकी ये जो मेरे पास रोल ऑन कंटेनर है या कोई भी आपके पास एम्प्टी लिप बाम का कंटेनर हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिपस्टिक का कोई भी कंटेनर हो जो एक्सपायर हो चुकी हो या ख़त्म हो चुकी हो, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसको अब मैं कीफ की मदद से फिल करूंगी ताकि ये बाहर ना गिरे। और इस तरह से मैं इस कंटेनर को कीफ की मदद से फिल करें ताकि ये ऑयल जो मेरा है ये जाया ना हो। ये मैंने फिल कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए और
हार्ड होने के लिए रख दूंगी। ये देखें हमारा नेचुरल पिंक ब्लशर एंड लिपस्टिक तैयार है। इसे हम इस तरह से रोल अप करेंगे और आप इसे इस तरह से अपनी चीक्स और लिप्स पर अप्लाई करेंगे। नेचुरली पिंक कलर आपको इस तरह से हासिल हो जाएगा। अगर आपने इस तरह के कंटेनर में फिल किया हुआ है तो या तो आप ब्रश की मदद लेंगे या फिर आप अपने फिंगर की मदद से, फिंगर टिप की मदद से भी इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।